Here are the pictures. उर्दू तर्जमा है इसमें, शेख फरजुद्दीन ने किया है। इसके अंदर है शाहे वहमा की पिक्चर्स, मुड़े हुए होंठ वाला शख्स विद फोल्डेड लिप्स, समीन नीलम, मुनक्कश हल्का, रॉयल क्राउन शाही ताज और सी कॉन्ट्रैक्ट बहरी मुआहदा, लास्ट प्रॉब्लम लास्ट इशू, जिसमें कि शर्लक होम्स की मौत हो जाती है, आखिरी मसला, शर्लक होम की वापसी, घर खाली कारनामा, ये असल हमारा फोकस ऑन है। ओल्ड मैसन बूढ़ा मैमार, थ्री स्टूडेंट्स तीन तालब इलम, सेकेंड ब्लेमिश दूसरा दबा, मरने वाला सराग रसा। तो हमने ज़्यादा शर्लक होम्स की वापसी जो है उसको पिक करना है। ये 8 नंबर पे है हमारे पास, ये इसका आगाज़ है पूरी बुक का, और ये इंग्लिश में आपको डाउनलोड होके मिल सकती है। आई हैव सेंड यू द लिंक। पहली कहानी है ये, और ये सारी सारी बुक मैंने आपको सेंड कर दी है। हम 8 नंबर की कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं, शर्लक होम्स जो के घर को वापसी करता है। मैम, वर्ड शार्लेट है या शार्लक है? शार्लक, ये देखिए, ये आपका शक भी दूर कर लेते हैं। ये शार्लक, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, मैं करीब मुंह कर लेती हूँ। ये देखिए, शार्लक, LOCK, लक, शार्लक। अब कुछ ठीक है मैम? तूबा, क्लियर हुई? यस मैम। चलिए जी, तो कल हमने किया था इसकी समरी के कुछ एस्पेक्ट्स किए थे इंग्लिश में, और द फिलोसफी ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसको हमने इसमें डिस्कस किया था। हमने एक दफ़ा अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि वी आर इन द स्पेस ऑफ टाइम, हमारी ज़िंदगी है, हमने बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये वक्त गुजारना है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वक्त का कोई पाबंद नहीं है, स्पेस में कोई भी इसका। द फिलोसफी स्पेस एंड टाइम, दैट द रियलिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम इज़ एन अनक्वेश्चनेबल रिजल्ट ऑफ द epistemological analysis of the theory of relativity with respect to the problem of reality. The main thing is reality. जो हकीकत है, जो truth है, वही है। Space and time are not different from the other physical concepts. Physical और intellectual concepts को जब educational level पे और knowledge के level पे परखा जाता है, तो फिर epistemological approaches आती हैं और analysis आता है। यानी कि हम वक्त के पाबंद हैं, लेकिन जो spiritualism है वो वक्त का पाबंद नहीं है। इस theory के बाद हमने सबसे पहले इसके characters को study किया था। कल के lecture में this is character list। इस कैरेक्टर लिस्ट में शार्लक होम्स है, एल इसमें साइलेंट है। तो इसके हम प्रोनाउंसिएशन भी अभी देख लेते हैं, जैसे आप अभी मरियम ने बताया, ये हम इसको कॉपी करेंगे जिस तरह आप अक्सर करते हैं। माशाल्लाह से अब आप सीनियर हो गए हैं, तो हम इस वाली साइड पे आ जाएंगे। यहाँ और यहाँ हम इसका प्रोनाउंसिएशन निकाल लेते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन आ गई, शर्लक होम्स, ठीक है, फिर सुन लें, शर्लक होम्स, शर्लक होम्स, शर्लक होम्स। मैम ये सीरीज है? बिल्कुल सीरीज है, और इसके अभी हमने, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ प्रोनाउंसिएशन के बाद। ये सीरीज है पूरी बेटा, ये देखें, ये इनकी बुक है। yes, और ये देखिए इन्होंने कितनी, ये 12 हैं तकरीबन, जिस अलग फैला की कहानी, इसके 12 सीजन्स हैं। यस, और हमने इसको कंसंट्रेट करना है, शार्लक होम्स की वापसी, ये वाली रिटर्न। ओके मैम, अब कुछ क्लियर हुआ?
चलें अब हम प्रोसीड ऑनवर्ड करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये वाला है द रिटर्न ऑफ शार्लक होम्स कैरेक्टर लिस्ट। हमने इसी को कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले हीरो है, द हीरो ऑफ द स्टोरी इज वेरी मॉडल ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव, वो सुराग रसा है। ये हम कल के लेक्चर में कर चुके हुए हैं, आप लेक्चर को सुन लीजिएगा। डॉक्टर जॉन वाटसन है इसमें, कर्नल सेबेस्टियन है और जोनस ऑल्डेक केयर है और एल्सी हैं, वायलेंट स्मिथ हैं। ये कैरेक्टर लिस्ट हमने कल कर ली, आज रिवीजन कर लें। चार्ल्स अगस्टस हैं, एना कोरम, कैप्टन जैक क्रॉकर और हमारे पास कैरेक्टर है लास्ट वाला लेडी हिल्डा। शी मे बी नोन टू द रेस्ट ऑफ लंडन एज अ यूरोपियन सेक्रेटरी वाइफ बट द होम्स शी इज द ट्रू ब्रेन्स इन द यूनियन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे पास शार्लक होम्स में। कल हमने इसके थीम भी किए थे, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम जो है वो डिसेप्शन और डिसगाइज है, यानी कि इंसान कुछ नज़र आता है और वो होता कुछ है, वो डिसगाइज करके अपने आप को धोखा दे देता है, यानी दोस्त नुमा दुश्मन। और एक और इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसके थीम में, वो है हमारे पास मैनिपुलेट द एक्शंस एंड थॉट्स ऑफ अदर फॉर पर्पसेस बोथ गुड एंड इवन। कैरेक्टर और इवेंट्स और थीम ऐसे हैं जो कि गुड के लिए भी यूज होते हैं और इवल के लिए भी। नाउ इट्स मैन थिंकिंग, इट्स मैन अप्रोच, उसकी नीयत है जो कि बुरे को भी अच्छा बना देती है। जैसे कि अगर हमारे हाथ में पिस्टल है और हम उससे किसी डाकू का मुकाबला कर रहे हैं तो यकीनन हम बुरी चीज़ को एक अच्छाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हम किसी गलत मकसद के लिए यूज़ कर लें तो अच्छी चीज़ भी बुरी बन जाती है। स्पोर्ट्स, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल का हम गलत यूज़ भी कर सकते हैं, फिर दिस इज़ एन ईवल, लेकिन हम मोबाइल को अच्छे यूज के लिए कर सकते हैं, दिस इज गुड। हम मैम वही बात आ गई ना, इट इज अपॉन अस टू मेक हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ हेल। वेरी गुड, यू कम टू द पॉइंट। और आज का हमारा लेक्चर है शार्लक होम्स के सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस पे, इसकी एलेगोरिकल अप्रोचेस के और इस पे मोटिव्स पे। हमने मेन टारगेट जो है ये इसको करना है कि बेकर स्ट्रीट का डिस्कशन करते हुए, थ्रू आउट द एंटायर कैनन मिसिज हडसन्स रोम्स हाउस हैज़ बीन द फेमिलियर कम्फर्ट जोन ऑफ शार्लक होम्स। ये है जी हमारे पास मिसिज हडसन्स रूम मिंग हाउस एंड हिज कंपेनियन डॉक्टर वाटसन। मिस्टर हडसन, मिसिज हडसन और डॉक्टर वाटसन, ये दोनों जो हैं ये कम्फर्टेबल जोन में हैं पूरे जो भी स्टोरी चल रही है नॉवल की। द सिम्बोलिक वैल्यू टेक्स एन एडिशनल मीनिंग विद द रिटर्न ऑफ द शार्लक होम्स। फर्स्ट ऑफ, इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज स्टूड एम्प्टी फॉर 3 years, ये घर 3 सालों से खाली रहा था। होम्स, एल इसमें साइलेंट है, अभी हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी, होल्म्स नहीं, होम्स, हैज बीन प्रिज्यूम्ड डेड एंड वाटसन हैज मूव्ड ऑन हिज विद हिज वाइफ। होम्स जो है ये अब जिंदा नहीं रहा है और उसकी डेड बॉडी है वहाँ पे, और जो है वाटसन जिसका हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये वाले डॉक्टर वाटसन, ये उस घर से चले गए हुए हैं। देन देयर इज द सिम्बोलिक रीप्यूरिफिकेशन इन द ओपनिंग स्टोरी एज द फाइनल डिटेल्स रूमिंग द सिनिस्टर रीच ऑफ प्रोफेसर मोरियार्टी आर एग्जॉर्टेड विद द पोनी फोनी स्टेगिंग ऑफ शार्लक सेकेंड डेथ एट द हैंड्स ऑफ सेबेस्टियन मोरेन गन। सेबेस्टियन की गन के साथ जो उसकी डेड शूटिंग हुई है ये उसकी दूसरी मौत है। सेकेंड, फर्स्ट जो है डेथ वो एलेगोरिकल अप्रोच के साथ है और सेकेंड जो है वो उसकी डन हुई है गन के साथ। विद द कैप्चर इंस्टेड ऑफ मोरेन एंड शार्लक अगेन Escaping death 221 B Baker Street, ये लिखा हुआ है ऊपर मेरे पास एड्रेस पूरा जहाँ ये वाक्य हुआ। इस सिम्बोलिक रिवर्टेड बैक टू प्रीजिस्टाइन स्टेट, दोबारा इसी सिचुएशन को रिकॉल करता है, स्ट्रेस में लाता है,
फिलोसॉफिकली टचेस देता है बाय डेफिनेशन ये बयान करते हुए, सो इज एवरीथिंग एल्स एग्जैक्टली एज इट वाज, ऐसा ही हुआ जैसा कि था, जैसे कि मर्डर हुआ, गन चली और जो है अफसुर्दगी पूरे घर में छा गई. इट इज एज इफ शार्लक हैड नेवर बीन गॉन एंड द होल 3 years एब्सेंस वाज फॉगी ड्रीम. ऐसा लगता था कि जैसे 3 साल गुजर गए हैं या गलत ही गुजरे हैं, वो मौजूद रहा है वहाँ से और वहाँ कभी भी नहीं गया. ये बेटा एक एलेगोरिकल अप्रोच है कि इंसान जिस जगह रहता है वो डेथ के बाद भी उसकी रूह वहीं का जिक्र, वहीं का चक्कर लगाती रहती है, तो इसलिए उसका वहाँ पे वजूद महसूस होता है. ये सेंसेशनल एस्पेक्ट है एलेगोरिकल अप्रोच का, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है कि इंसान जिस जगह रहता है वहाँ उसकी चेयर्स पड़ी हैं, वहाँ उसका बेड पड़ा है, बिलोंगिंग्स पड़ी है, तो लगता है कि एब्सेंस उसकी नहीं है, वो फोगी ड्रीम लगता है, लगता है कि वो वहीं पे मौजूद है. हमारे भी इर्द गिर्द ऐसा ही होता है कि जब कोई चला जाता है तो हम उसको खुलाओं में ढूंढ रहे होते हैं. तो ये यहाँ पे बड़ा ही सिंबॉलिक किस्म का एक एस्पेक्ट है. द बोर्डिंग हाउस इज नॉट जस्ट होम, इट वाज टेक्स ऑन द एसेंस ऑफ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन इंग्लैंड वेयर ईवल डज नॉट पेनिट्रेट. और जो बोर्डिंग हाउस है वो ऐसा पाकीज़ा, पवित्र और डिसेंट समझा जाता था कि वहाँ पे किसी किस्म की ईवल हो ही नहीं सकती. द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज विल शो ईवल रीचिंग इनटू स्कूल, वेलिंग शेप्स, मैनर होम्स, हैप्पी एज वेल एज अनहैप्पी मैरिजेस, अ डिजर्टेड कंट्री रोड एंड इवन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. बाकी ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन जो बोर्डिंग हाउस है वहाँ पे कभी सोचा ही नहीं था किसी ने कि वहाँ पे कभी मर्डर होगा या वहाँ पे कभी कोई किसी की लाश देखने को मिलेगी. तो ये एक किस्म की सिंबॉलिक और एलेगोरिकल अप्रोच है कि चला जाने वाला अपनी यादें ज़रूर छोड़ के जाता है. और फिलोसॉफिकल टच जो हमने अर्ली बेस पे पढ़ी कि टाइम और स्पेन, हम दोबारा ज़रा ऊपर जाते हैं देखते हैं. मैं पेज नंबर 1 पे जा रही हूँ. ये रीचेयर बैक, द फिलोसफी ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये मूव ऑन होती है पूरी की पूरी कहानियों में कि कभी भी हम टाइम के पाबंद हैं तो हमारा जिस्म टाइम का पाबंद है, हमारी जो रूह है वो स्पेस में है, वो स्पेस की तरह असर करती है, वो खला की तरह अनफैदमेबल है, ना वो गहराई में है. जितना भी आप गहरे चले जाएँ रूह ट्रेवल कर लेगी, जितना भी हम आसमानों में स्पेस में उड़ लें वो हमारी रूह जो है वो ट्रेवल कर लेगी. ये नॉलेज की एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच है और ये एनालिसिस है कि स्पिरिचुअलिज्म जो है वो कभी भी डिके नहीं करता है. हम इसको पेज 4 पे दोबारा जाके एलेगोरिकल अप्रोच में देखते हैं. मोटिव्स और एलेगरी में एक तो बी बेकर स्ट्रीट है और दूसरा हमारे पास है सीइंग रादर देन ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्वेशन होता है कीनली ऑब्जर्व करना और सिर्फ हल्की सी नज़र को देखना वो सीइंग है. परहैप्स द मोस्ट परसिस्टेंट मोटिव रनिंग थ्रू दिस कलेक्शन इज दैट ऑफ द फिकेट. अब हम इसका भी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं क्योंकि ये इसमें है. What happens to be factual on the face of things actually is integral to hiding the truth. Excuse me. इसका मतलब ये है कि सच्चाई को छुपाते हुए जो चेहरा हम अपने चेहरे पे सजाते हैं वो फिकेड है, वो रियल नहीं है. जिस तरह फर्ज करें हमारे सीने में बहुत ज़्यादा गम है, दुख है, सेपरेशन का अफसोस है, लेकिन हम मसनूई सी स्माइल अपने चेहरे पे छुपा लेते हैं तो ये फेकेज है. इसका प्रोनाउंसिएशन मैम इट्स फसाड. जी इट्स प्रोनाउंसिएशन इज फसाड. ओके एक्सक्यूज मी. ये लें जी आ गया, सारे तबके सुन लें इसको. घुमाना भी है क्या, कई भाग दो.
Yes. Facade. Facade. This is capital silent E, facade. Now we come on our lecture. The thing is, the face of thing actually is integral to hiding the truth. Sometimes this facade has a benevolent intent. इसमें एक जानबूझकर एक रुझान होता है, such as Sherlock pretending to be dead before revealing himself quite alive, or Elsie Patrick hiding her violent past behind a mask of innocence. इनोसेंस का मास्क पहना हुआ है और मरने से पहले वह झूठा झूठा मर रहा है. लेकिन अल्लाह ताला को इसमें सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ये है कि अल्लाह ताला को बाज़ औक़ात किसी भी वक्त का झूठ भी पसंद नहीं होता. जानबूझ के मर गया है तो अल्लाह ताला ने वाकई उसको मौत दे दी है. कोई जो है मास्क इनोसेंस का चढ़ा के फ्रॉड कर रहा है तो अल्लाह ताला को ये फ्रॉड भी पसंद नहीं है. इन अदर इंस्टेंसेस बाकी भी मिसालें हैं. द फॉल्स फ्रंट इज stripped away to reveal depreciating humanity disappearing into pure malevolence. यहाँ पे हम humanity को, इंसानियत को, सच्चाई को एक दाव पे लगा देते हैं. लेकिन अल्लाह ताला को ये symbolic significance बिल्कुल भी पसंद नहीं है. The other fake death, ये वाली दोबारा fake मसनूई, by Mr. Aldress, Oldacre, and most insidiously the perpetually smiling adventure front presented by Charles Augustus. अब चार्ल्स अगस्टस जो है वो अपने चेहरे के ऊपर मसनूई स्माइल लगाकर अपने आप को डिस्गाइज कर रहे हैं. ये सारी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की एग्जाम्पल्स हैं लेसन में. एज अ कॉन्शियस फ्री ब्लैकमेलर, जैसे उसको कोई एहसास ही नहीं है किसी चीज़ का. लेकिन याद रखें, ब्लैकमेलर कभी भी दूसरे को ब्लैकमेल नहीं करता है, वो अपने वजूद को खुद ही ब्लैकमेल करता है. जो धोखा किसी को दिया जाता है, और धोखे की उम्र बहुत ही थोड़ी होती है, वो कहीं ना कहीं से पलटकर दोबारा उसी शख्स के पास आ जाता है. और ये मोटिफ में दोबारा अगेन सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस में कलेक्टिवली डिस्क्राइब हो रहा है. जैसे द एक्वरल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मोटिव माइट वेल इवन बी सेट टू बिकम अ कलेक्टिव सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस फॉर शार्लक oft voiced criticism is merely saying things rather than observing them. तो ये है कि वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, सिर्फ चीज़ों को देख रहा है. अगर उसने ऑब्जर्व किया होता लाइफ को या किसी भी आस्पेक्ट को, तो उसका रवैया ये ना होता. लास्ट आस्पेक्ट ऑफ टूडेज लेक्चर इज, इसकी बेटा हमें मजीद हेल्प फिर मिलेगी कि आप इसकी एक दफ़ा मूवी देख लें, या जो इसकी उर्दू की समरी है उसको इन बिटवीन द लाइंस थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए. ओके मैम, अब हम जाते हैं. द एडवेंचर्स इन द कलेक्शन प्लेसेस होम्स इन अ रिमार्केबल एम्बिगियस सिचुएशन कंसीडरिंग हिज रेप्यूटेशन एज द फॉरमोस्ट क्रिमिनल डिटेक्टिव इन लिटरेचर. सीधी सी बात है, उसका काम था खोज लगाना, और खोज लगाते लगाते वो अपना ही खोज घूम कर बैठा. ही मेक्स अ डील टू विदहोल्ड एविडेंस. वो चाहता है कि मेरे पास कोई सबूत हो, एविडेंस हो, अ कन्फेशन, किसी का एतराफ़ करना हो मेरे पास. इन फैक्ट ऑफ अ मर्डर इन द एबे ग्रैंग, ये सबसे बड़ी ग्रेंच चीज़ है. ये ग्रेंच है या गैंग ग्रैंग है, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं. वन कैन आर्ग्यू द सिमेंटिक्स मीन मीनिंग्स, द सिचुएशन, किस सिचुएशन में मर्डर हुआ, एंड द अल्टीमेट गुड ऑफ द डिटेल्स. बट लेकिन शार्लक होम्स इफेक्टिवली एक्सेप्ट्स अ ब्राइब इन, कैसे है, द प्रायरी स्कूल टू फैसिलिटेट द प्रोटेक्शन इन द रेप्यूटेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश नोबिलिटी. ये नोबिलिटी सिर्फ दिखावे की है, एक्शन में नहीं है. एंड देन लेटर गोज टू एक्सट्रीम लेंथ्स टू हाइड द ट्रूथ, और वो ट्रूथ को छुपा लेते हैं. अबाउट द थेफ्ट, कोई भी चोरी की गई है, एंड द रिकवरी ऑफ ब्रिटिश स्टेट सीक्रेट्स. ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इसमें क्रिटिकली डिस्कस किया गया है. बट ईच ऑफ दोज आर स्मॉल पोटैटोज टू द
जो भी है हमारे पास उसी के, एक कोल्ड विटनेस है हमारे पास, कोल्ड ब्लडेड सारी चीजें हैं, मर्डर है, अलोंग द मर्डर टू एस्केप विदाउट रियलाइजिंग शी हैज बीन डिटेक्टेड एंड देन कॉन्स्पायरेसी, और उसके बाद कॉन्स्पायरेसी है, उसमें जासूसियत चलती है, और ये सारे एस्पेक्ट जो हैं ये इंसानियत से दूर हैं और स्पिरिट ऑफ जस्टिस से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मोनोपली है, इनका दिखावा है, और ये हम इसको सिंबलिज्म के तौर पे यूज़ करेंगे, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है इसकी। और पास्ट में भी ऐसे ही वाक़यात हुए हैं, 3 सालों का पास्ट इसमें डिस्क्राइब हुआ है। मैनी ऑफ द क्राइम्स ओमिटेड इन द प्रेजेंट डे इन विच होम्स इज called upon the investigate have their stimulus in the past, जब वो पास्ट में वाकया हुआ था तब उस वक्त तो देखा नहीं और अब आके घड़े मुर्दे उन्होंने उखाड़ने शुरू कर दिए हैं, और ये भी एक सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है इसमें, एलेगोरिकल अप्रोच है। हाइडिंग ऑन साइट, जो चीज़ सामने है वो तो छुपा ही देते हैं, जो नज़र आ रहा है उसका तो सबूत रहने ही नहीं दिया जा रहा। कैसे? Another motive that recurs as a substantive point in the narrative of most of these stories is the key component of someone hiding almost in plain sight. ये सबसे important है, तो ये हमारा आज का lecture है, आप इसमें से go through हूँ कल के lecture में, यानी कि जो हमारा next होगा Saturday का, उसमें आप question जहन में रखें कि हमने कैसे, सबसे पहले हमने ये टच किया है अपने लेक्चर के लिए, रिटर्न शार्लक होम्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, एलेगोरिकल अप्रोच और मोटिव्स हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज इस पे बहुत आते हैं, और रिटर्न टू शार्लक होम्स के थीम्स हैं, थीम्स के मेन आस्पेक्ट आ जाएंगे, और ये कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर लिस्ट, और ऊपर भी कैरेक्टर लिस्ट है वो ज़रा डिटेल में है, नीचे वाले ज़रा कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एम्प्टी हाउस जो है, द रिटर्न ऑफ शार्लक होम्स, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और स्पेशली दिस फिलॉसफी, इसकी भी हम प्रोनाउंसिएशन एक दफ़ा निकाल लेते हैं, कल भी मैंने निकाली थी लेक्चर में, आपके पास पहुंच गई होगी। ये है रेचर बेज, तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम।